वो क्वेश्चन पूछेंगे स्पेक्ट्रल लाइंस के ऊपर जो केमिस्ट्री में किया हुआ है आपने। आपने सुना होगा कि अगर मान लो आउटर शेल से इनर शेल में इलेक्ट्रॉन गिरे और अगर वो फाइनली एन इज इक्वल टू वन पे गिरे तो वो लाइमन सीरीज है, और अगर कहीं से भी गिरे पर गिरे टू पे गिरे वो बाल्मर सीरीज है, पाश्चन सीरीज है। ये सब आपने सीरीज की हुई हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। ठीक, क्वेश्चन क्या आएगा, वो ये पूछेगा कि मान लो आपकी जो है लेमन सीरीज है, इसमें जब ट्रांजिशन होगी एनर्जी निकलती है, वो एनर्जी किसके साथ मैच करती है, उसकी फ्रीक्वेंसी किसके साथ मैच करती है, आपने लिखना है अल्ट्रा वायलेट। और बाल्मर सीरीज में किसके साथ मैच करती है, विजिबल के साथ, और उसके ऊपर जितनी भी है किसके साथ मैच करती हैं, इंफ्रा के साथ। ये क्वेश्चन तो बहुत फेमस है, सर्कल करके इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ये आएगा। ठीक है, यहाँ तक। नेक्स्ट है ग्राफ, हमने किया हुआ है पोटेंशियल एनर्जी या न्यूक्लियर फोर्स का ग्राफ। न्यूक्लियर फोर्स अगर डिस्टेंस कम है तो रिपल्सिव हो जाती हैं, और अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो अट्रैक्टिव हो जाती हैं। तो ये ग्राफ की वेरिएशन आपने याद रखनी है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स की रेशियो स्टेबिलिटी बताती है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ये सब डिस्कशन हुई है।